على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد रमज़ान अपने बिल्कुल अख्ताम पर पहुंच चुका है गो के आज और उनतीसवा रोज़ा है और एक रोज़ा और है और फिर जुमे के रोज़ जो है वो ईद होगी लेकिन रमज़ान से हमने क्या पाया किन आदात को अपनाया और और किन आदात को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया ये वो बात है जिसकी तरफ जिस पर गौर करना ज़रूरी है अभी भी दो दिन हैं इंसान सोच सकता है गौर करके सोच सकता है कि मैंने रमज़ान से आखिरकार पाया क्या क्या हासिल किया मैंने रमज़ान से हजूर वसल्लम की एक हदीस है जो आ, सुनन इब्ने माजा में है और हजरत अब हुरैरा रज़ील्ला से मरवी फ़रमाते हैं आप कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिनल फरमायामली मातुती कू यानी अपने अमाल में वो करो नेक अमाल में वो करो जिसकी तुम ताक़त रखते हो फाइन ना खैर आमाली अदवम वाइन कल्ला क्योंकि सबसे बेहतरीन अमाल वो हैं सबसे बेहतरीन नेकी वो है जो मुस्तिल मिजाजी के साथ की जाए जिसमें दवाम हो वाहन कला खा वो छोटी ही सी क्यों ना हो थोड़ी ही सी क्यों ना हो रमज़ान में जो नेकी हमने की, तहजद की नमाज़ें पढ़ी नमाजें बाजमात पढ़ी तो उनको जारी रखना ज़रूरी है नेकी वो है जिसमें दवाम हो वक्ती जोश ना हो तो रमज़ान के साथ हमने अपनी उन नेकियों में दवाम पैदा करना है कोशिश इस बात की करनी है कि हम उसमें दवाम पैदा करें एक और हदीस मसंद अहमद में इस तरह से है कि अलमुहा मनहाजर स फज तनिब हु कि मुहाजिर हकीकी मुहाजिर वो है मुहाजिर कौन है फरमाए हकी महाजिर वो है कि जिसने बुराइयों से हिजरत की और उनसे फिर बचा उनकी तरफ वापस नहीं गया उनकी तरफ ऊद नहीं किया एक किसान सारा साल मेहनत करता है जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे काटने और आसमानों जमीन की आफातों से बचाने के लिए कई जतन करता है और इस संदोखता को आइंदा सारे साल के लिए महफूज कर लेता है हमने यह भी देखा है कि किसान सुबह सवेरे फसल की कटाई करता है और सूरज ढलने के साथ उसी कटाई में तेजी आ जाती है और जो फसल कट जाती है कट चुकी होती है उसे आसमानी जमीनी बलाओं से महफूज करने की भी सोच पैदा होती है तो इसी तरह दुनिया में भी हम देखते हैं कि एक मोमिन अपनी दीनी और रूहानी तरक्यात के लिए सारा साल मेहनत करता है और रमज़ान उसकी फसल काटने का महीना है जिसके लिए वो शाबान में ही तैयार शु, तैयारी शुरू कर देते यानी रमज़ान से पहले जो महीना है शाबान का और जो ही रमज़ान ढलने लगता है तो एक किसान की तरह वो पहले से बढ़कर मेहनत करता है यानी आखिरी अशरा जब आ जाता है ढलने लगता है वह करीब आ जाता है तो और मेहनत करता है और कोशिश करता है और जो फसल कट चुकी होती है उसे संभालने की कोशिश करता है यानी जो अमाल कर चुके होते हैं उनको संभालने की कोशिश करते कि अब मैं इनको हमेशा जारी रखूँ हज़र खली और रबे रहा ने एक दफ़ा फरमाया मफूमन बयान कर रहा हूँ अल्फा मेरे हैं कि इस मज़मून को यूँ बयान फरमाया कि चूँकि रमज़ान में मेहनत से हासिल की गई कमाई को चोरों और डाकुओं से महफूज रखने के लिए एक मोमिन उसके इर्द गिर्द हिफाजती बाढ़ लगाता है और रमज़ान के अमलों को रमज़ान के बाद भी जारी रखता है क्योंकि चोर और डाकू इस जगह उस जगह आते हैं जहाँ कुछ माल हो शैतान जो चोर है जो डाकू है वो वहाँ पर आके हमला करता है जहाँ पर मोमिन अपना ईमान पुख्तगी के साथ उसको अमल कर रहा हो जो ऑलरेडी उसके शिकंजे में हो उन पर तो उसको जाने का फ़ायदा नहीं वो तो कहता है ये तो ऑलरेडी मेरे मेरा यार है मेरा दोस्त है मैंने इससे इसको क्या बहकाना मैं किसी अगले शिकार को जा पकड़ता हूँ आजूर सल्ला वसम ने एक हदीस एक और मिलती है कंजुल माल में मिलती है फरमाया सलि रमजान सलीमत सनत हो कि अगर रमजान सलामती से गुजरा खैरियत से गुजर गया सलीमत सनातु तो वो ऐसे ही है गोया उसका सारा साल ही सलामती वाला बन गया तो इस हदीस से भी ये राज है कि रमज़ान नेकियों को वो पुख्ता आदत डाल जाता है जिसके नतीजे में इंसान फिर सारा साल वो नकिया बजा लाता है गुनाहों से बचा रहता है वो नमाजें पढ़ने की आदि हो चुका होता है कुरान की तिलावत का आदि हो चुका होता है वो नवाफिल तहज और दीगर नेकियों पर कारबंद हो चुका होता है तो ये असल मजमून है गुजश्ता जुम्मा गुजरा उसमें हजूर ने भी जिक्र फरमाया कि इस लिहाज से जुमतुलविदा को जुमतुल इस्तकबाल बना लें इस्तकबाल करते हुए अर्ज करें कि ए खुदा हमने बहुत गफलत से काम लिया हमने बहुत कुछ खो दिया आज हम तेरे हजूर हाजिर हो गए हैं बस तू इस जुमे की बरकत हमारे लिए दायमी बना दे और उसे हमारे घरों में ठहरा दे अब हम कभी भी जुमों और नमाजों से जुदा ना हो तो ये वो दुआ है जो हमने रमज़ान के लिए करनी है फिर हज़ूर सल्ला वसलम आप फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्हु वसलम की गुलामी में आज के दिन मैं 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 आज के दिन तमाम दुनिया के मोमिनों को नमाज की पाबंदी की पाबंदी की तरफ बुलाता हूँ और पाँच वक्त की नमाज़ें अदा करने की दावत देता हूँ ये हमारे आका हज़रत महम्मद मुस्तफ़ा सल् वसलम की सुनत है बस देखें आपने कैसे इस जुमे को विदा फ़रमाया कि उसकी बरकतों को रोजाना पांच वक्त ममिनों पर लाजिम कर दिया <coughs> एक इंग्लिश में मुहावरा है कि ऑल इज वेल दैट एंडल हमें लोग मुशाहत करते हैं कि एक इंसान किसी नेकी का आगाज बहुत मेहनत जज्बे और हिम्मत से करता है मगर दरमियान में थक जाता है या आखिर में जाकर हिम्मत तर्क कर देता है और इस नेकी को उस वक्त छोड़ता है जब उसके फल मिलने का वक्त होता है यूं वो उस नेकी के सवाब और इनाम से महरूम कर दिया जाता है तो रमजान इस्लाह नफ्स का महीना है रमजान यूं एक मोमिन पैंतीस बदियों को छोड़कर पैंतीस नेकियों को अपना कर अपनी सारी जिंदगी में नुमाया तब्दीली पैदा कर सकता है तो रमजान आया और चला गया हर साल आता है हर साल चला जाता है असल सवाल यही है कि हमने रमज़ान से क्या हासिल किया अगर इसका जवाब आपके जहनों में सोचों में आता है हमारी जहनों और सोचों में आता है कुछ हासिल नहीं किया या कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है तो फिर फिक्र की बात है और वो फिक्र जरूरी है और वो फिक्र तभी होगी जब हम वाकई में हकीकत में रमज़ान को हकीकी मानों में समझने वाले होंगे समझने की कोशिश करने वाले होंगे ने फरमाया था कि मेरी उम्मत ना होगी जब तक कि रमजान का क्याम करती रहेगी इस जगह जहां रोजों का क्याम मुराद है वहां रमज़ान की तालीम और इस्बाक भी मुराद है जिस पर सारा साल अमल होना चाहिए बस आए हम मैं बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान मर्द औरत सब रमज़ान को आईंदा साल के लिए समेट लें अपने पास उसको समेट लें कि वो हमसे फिर कभी जुदा ना हो आए हम इस बात का अहद करें कि हमारी नेकियां, हमारी नेकियों में इस रमजान के बाद अब दवाम पैदा हो जाएगा वो दवाम इस तरह का पैदा होगा कि वो उससे कभी हर, फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं उन नकियों को छोड़ेंगे नहीं उनको हमेशा हमेश के लिए हम चिमट जाएंगे उनके साथ फिर वाकई में हकीकी मानों में हम रमज़ान से फायदा उठाने वाले होंगे अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी हमारी नेकियों में हमारी कोशियों में दवाम बता फ़रमाए हमें मुस्तकिल मिजाजी के साथ उनको बजा लाने की फ़रमाए और हम रमज़ान की नेकियों को साल साल के लिए समेट लें अल्लाहुम्मा अमीन अल्लाहुम्मा ममीन अल्लाह उमाम अल्लाह मसल महमदिन वाल महमदिन वबारक व इन्ना का हमीदुम मजीद